हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में बीएम ऑटोमोटिव। देखिए दोस्तों, आज फिर से लाया हूँ एक नया सा समस्या, वो है पल्सर का जो फ्रंट डिस्पैड है, जो डिस असेंबली है, इसमें देखो, देखिए इसमें आवाज़ आने लगता है जब मैं ऐसा हिलाती हूँ तो ये आवाज़ आने लगता है। और जब ये बाइक इन रनिंग में यहाँ पर इतना आवाज़ होता है, ठेक 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 जोर से आवाज़ होता है। किस वजह से ये आवाज़ हो रहा है मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए जब भी कोई मैकेनिक जो डिस्क पैड को चेंज कर लेते हैं, डिस्क पैड चेंज करते समय एक गलती कर लेता है, वो है इस कैलिपर में ग्रीस नहीं डालते, बिना ग्रीस करके इसको फिर से फिट कर लेता है, तो उसी वजह से ये आवाज़ होने लगता है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना भी डिस असेंबली है उसका जो दो नाट, ये हमेशा 12 mm ही होता है, 12 mm, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 mm, ये था 12 mm, तो उसी से खुला जाता है। तो इसको खोलने के एक तरीका है, आपको इस तरह का जो स्क्रू ड्राइवर है फ्लैट वाला लेना है, और इसमें नीचे की तरफ देखो, इसमें डाल के ऐसा थोड़ा प्रेस कर लेना, मतलब उसे लूज कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो निकल आएगा, बस दिखाई दे रहे क्या? दिखाई दे। दोस्तों देखिए, इसमें नया ब्रेक शू लगाया हुआ है, ये बिल्कुल नया ब्रेक शू है। आवाज़ किधर है? आवाज़ यहाँ पर है, जो कैलिपर है इसमें जो रबर है, देखिए इतना लूज हो गया, ये जो कैलिपर इतना लूज हो गया, इसी के वजह से ये आवाज़ होने लगता है, ठीक है। तो पहले जो ब्रेक शू है उसे निकालना है कुछ इस तरह का, मतलब इसको पोजीशन से हिला के ऐसा निकल लेना है। तो पिस्टन सही है, देखो देखिए इस ये जो होल है, देखो इसमें कोई ग्रीस नहीं है, ठीक है, ये पूरा गीला हुआ है, उसी की वजह से ये आवाज़ होने लगता है। शायद किसी ने, जो मैकेनिक था वो जो ब्रेक शू चेंज किया था, वो ग्रीस की जगह में मोबिल डाल दिया होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, मैं ग्रीस डालने शुरू कर दिया, अब देखो मैं इसमें ग्रीस डाल रही हूँ, ठीक है, पूरा से पूरा। इधर देखो, ये जो पिन है ये इस तरह का इसमें बैठेगी, देखो ये जो लाइन गैप लाइन हमेशा इस तरह होने चाहिए, ठीक है। अगर आप उल्टा करेंगे तो ये कैसे होगा, ये कभी हो ही नहीं पाता, तो उसी के कारण से ये इस तरह से ये इसमें बैठेगी, ठीक है। तो अभी लगा लेता हूँ, अभी इसको लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो एक्सेस है उसे
हटा लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए इस ब्रेक्सो को कैसे फिट करना है। पहले ऐसा ऐसा डाल के इसमें जो क्लेम था उसी के अंदर अंदर में देखिए ये जो बीच में ये वाला इसको क्रॉस करके ऐसा डाल देना है, ठीक है। उसे थोड़ा सा उसको ऐसा टर्निंग करके, ठीक है, ऐसा बेंड करके मैंने डाल दिया, देखो। और दूसरा को भी थोड़ा बेंड करेंगे, ठीक है। बेंड करने के बाद ये चला जाएगा अपने आप। रुको रुको, थोड़ा बेंड किया है मैंने, हाँ ठीक है, चला गया। दोस्तों देखिए ये जो लाइन है, ये जो गैप का लाइन है, यहाँ का जो लाइन और प्रेक्षु का जो लाइन, इस ये स्ट्रेट होना चाहिए डालते वक्त, ऐसा। तभी जो दिस है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। बस इसको इस दोस्तों देखिए आप मैं हिला रहे हूँ उसको, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ये था सिंपल इस समस्या का सलूशन। तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म कर लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।